पलिया बुजुर्ग संत कालू जी महाराज मंदिर पिपलिया खुर्द में 5 दिवसीय संत सिंगा जी महाराज की परचरी पुराण कथा के संपन्न होने के अवसर पर व्यासपीठ हरिओम यादव महाराज ने कहा कि ईश्वर को अनुभव किया जाता है। ईश्वर बहुत ही सूक्ष्म रूप में है। भगवान को सबसे प्यारी कोई सी वस्तु है तो वह तुलसी है। सभी पेड़ पौधे में फल लगते हैं, परंतु तुलसी ही एक ऐसा पौधा है जिसमें फल नहीं लगते। इसी प्रकार हम बिना किसी फल की प्राप्ति के परमात्मा की भक्ति करते हैं तो परमात्मा अवश्य मिलते हैं। भगवान हमारे अंदर है और हम बाहर भटक रहे हैं। संत सिंगाजी महाराज कर्मयोगी, ज्ञान योगी और हट योगी हैं। आप कर्म करते रहो तो परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। आप कर्म करते समय पाप और पुण्य की चिंता मत करो, वह परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, वह सब देख लेंगे। यह बात संत कालू जी महाराज मंदिर पिपलिया खुर्द में 5 दिवसीय संत सिंगाजी महाराज की परचरी पुराण कथा के अवसर पर व्यासपीठ हरिओम महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि भगवान को भक्ति निर्मल भाव से करनी चाहिए तो भगवान दर्शन देने स्वयं आएंगे, भगवान आपको मिलेंगे। कर्म, भक्ति और ज्ञान, यह तीनों मार्ग से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। सिंगाजी महाराज भी राम नाम लेकर ही नर से नारायण हुए। सिंगाजी स्वयं ब्रह्म के अवतार हैं, यह परचरी पुराण प्रमाण दे रही है। कथा श्रवण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।